नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी खगोलीय घटना की जांच पड़ताल करेंगे जो किसी को भी यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सूर्य के पास कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं हो रही हैं जो हमारी सोच समझ से बहुत आगे है। लेकिन उस रहस्यमय घटना का विश्लेषण करने से पहले हमें कुछ और घटनाओं पर नजर डालना जरूरी है। तो चलिए, बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम पहले इन घटनाओं को समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पर नासा और ईसा के सैटेलाइट द्वारा ली गई सूर्य की तस्वीरें हैं। इस वीडियो में सनस्पॉट से बाहर निकलते सन फ्लेयर्स, सीएमईस यानी कोरोनल मास इजेक्शंस को हम बहुत ही साफ साफ देख सकते हैं। एक साइंटिफिक रिपोर्ट के हिसाब से सन फ्लेयर्स के बाद अक्सर कोरोनल मास इजेक्शंस को सूर्य से बाहर निकलते देखा गया है। यानी आप बस इतना याद रखिए कि सन स्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और सीएमई यानी कोरोनल मास इजेक्शंस सूर्य पर होने वाली बहुत ही आम घटनाएं हैं। आमतौर पर जब सीएमई सूर्य से बाहर निकलता है तो वह हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से स्पेस में आगे की ओर बढ़ने लगता है और फैल जाता है। वैसे थोड़ा बहुत वापस सूर्य में भी समा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जैसा कि हम सब अनुमान लगा सकते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर सूर्य का वो वीडियो है जिसमें हम सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और सीएमईस वाली घटना को होते देख सकते हैं, और यह सब कुछ सामान्य सी प्रक्रिया नजर आती है। मगर दोस्तों, इसके बाद जो कुछ हुआ वह आज भी रहस्य है, जिसका जवाब ना तो नासा के पास है ना तो यूरोपियन साइंस एजेंसी के पास, या फिर कहें तो उनके पास इसका कोई ठोस एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। अब आप भी देखिए, जरा गौर से देखिए कि कैसे एक गोलाकार ऑब्जेक्ट इन सोलर फ्लेयर्स या सीएमईस के पीछे से एकाएक बाहर आ जाता है और ठीक सूर्य के पास आकर जम जाता है, मानो जैसे कोई कार पार्किंग लॉट में पार्क कर दी गई हो। हमारे विज्ञान के हिसाब से या तो इस गोले को सूर्य में समा जाना चाहिए था ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर सीएमईस के साथ सूर्य से दूर उड़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस गोलाकार ऑब्जेक्ट का साइज हमारी पृथ्वी से तकरीबन 50 गुना बड़ा नजर आता है। तो क्या यह कोई इनविजिबल प्लेनेट है जो किसी खास परिस्थितियों में ही नजर आने लगता है? इसके बाद हम साफ देख सकते हैं कि सूर्य से बाहर आता फिलामेंट इस ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं, बल्कि इस ऑब्जेक्ट के शरीर से टकराकर इसके चारों तरफ घूमता प्रतीत होता है, क्योंकि ये फिलामेंट इस ऑब्जेक्ट द्वारा ब्लॉक होता नजर आ रहा है। और साथ ही ऐसा लगता है कि सूर्य से निकलता ये फिलामेंट इस रहस्यमय यूएफओ द्वारा अपनी ओर खींचा गया हो और अपनी आवश्यकता के अनुसार जब इस विचित्र ऑब्जेक्ट ने फिलामेंट सोख लिया तो फिर बाकी बचा हुआ फिलामेंट सूर्य में वापस चला जाता है, ऐसा हम देख सकते हैं। अब यहां इस घटना को देखने के बाद हमें लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट द्वारा कही गई वह बात जिसके अनुसार एलियन यूएफओस सूर्य से अपनी ऊर्जा को सोखते हैं, हमें बिल्कुल सही लगती है।
आगे हम यही कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट या यूएफओ जो कुछ भी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सूर्य से बाहर निकला है, बल्कि यह एकाएक कोरोना के पीछे से प्रकट होता है, जैसे मानो कि यह कोई अदृश्य ताकत हो जिसके बाद दोस्तों आज के इस एपिसोड के बारे में आप अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिए और साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आगे दीजिए, मैं हूं आपका होस्ट राजेश। जय हिंद।